आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Realme की किसी भी डिवाइस में स्ट्रैप ट्रैकर को कैसे आप यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे सेटअप करना है और सेट गोल को कैसे ऐड कर सकते हैं। टोटल चीज़ में आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। डेली वाइज कितने आप यहाँ पे स्टेप चलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीकली वाइज देखना है, मंथली वाइज देखना है, टोटल चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से क्लिक करके आप यहाँ पे अपने स्टेप को सेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम स्क्रीन में और साथ में स्वैप डाउन करने पे आप स्टेप ट्रैकर को कैसे इनेबल कर पाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का आपको होम स्क्रीन देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पे जैसे स्वैप कीजिएगा तो स्वैप करने के बाद देख सकते हैं अभी यहाँ पे स्टेप ट्रैकर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टेप ट्रैकर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इस प्रकार से लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा गूगल यहाँ पे सर्च ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो सबसे पहला सेटिंग क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। ये सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्वैप डाउन ऑन होम स्क्रीन। ये ऑप्शन जो मिल रहा है इस पर क्लिक करें। तीन ऑप्शन मिलेंगे, नोटिफिकेशन ड्रॉवर का, गूगल सर्च का और सेल्फ वाला ऑप्शन। सेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको सेट कर लेना है और सेट करने के बाद होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद ऊपर से नीचे स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद इस प्रकार का नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको आपको सेल्फ में सेट कर लेना है। देन नीचे में कन्फर्म वाला ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर से स्वैप कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे विजेट आपको यहाँ पे सेल्फ में देखने को मिल जाएंगे, साथ में स्टेप ट्रैकर वाला मिल जाता है। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो आप प्लस पे क्लिक करें और प्लस पे क्लिक करना स्टेप ट्रैकर में जाइएगा तो ये विजेट आप यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से सेल्फ वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर स्टेप ट्रैकर को ऐड कर सकते हैं। होम स्क्रीन में बात करें कि होम स्क्रीन में कैसे ऐड करना है, तो होम स्क्रीन में ऐड करने के लिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्वैप करना है टू फिंगरप्रिंट से। देन यहाँ पे आप देखिए विजेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप ट्रैकर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टेप ट्रैकर के विजेट को होम स्क्रीन में लगाने के लिए क्या करना है, फिर से आपको होम स्क्रीन में जाना है, टू फिंगरप्रिंट से स्वैप करना है और ऊपर में आपको प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे स्टेप ट्रैकर देखने मिलेगा। इस पर जाए, देन जाने के बाद ये विजेट मिलेगा, इसको आपको होम स्क्रीन में ऐड कर लेना है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन में ऐड हो चुका है। और देन इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में जो भी स्टेप आप यहाँ पे चलते हैं वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेली वाइज, मंथली वाइज, वीकली वाइज मिल जाएगा। सेट गोल का ऑप्शन मिलेगा, डेली कितने स्टेप आप यहाँ पे चल सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर ले। तो अगर आप 6000 या 7000 यहाँ पे स्टेप चल सकते हैं तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे और भी विजेट देखने मिलते हैं। आपको लगता है स्टेप ट्रैकर के अलावा आपको और भी विजेट यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे विजेट को यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक का विजेट मिल जाएगा, क्लॉक का विजेट लगाना है तो आप यहाँ पर क्लॉक के विजेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे विजेट मिल जाते हैं जिसको आप होम स्क्रीन में लगा के होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा और यूनिक लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहां पे स्टेप ट्रैकर को पूरा सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं।